आशीष सूद ये को इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी और नेशनल लीडर हैं। आशीष जी, अगर हम चार दिन का जो पिछले कोर ग्रुप की जब दिल्ली में मीटिंग हुई, फिर ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग हुई, फिर कल स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट हुई एक्सटेंडेड, फिर शाम को कोर मीटिंग, आज लेजिस्लेटर से जो फॉर्मर लेजिस्लेटर, क्या निकल के आ रहा है? देखिए, आप लोग इसमें से कुछ ज्यादा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव होकर चुके हैं, पार्टी के सभी नेता चुनावों में व्यस्त थे। अब देश भर में एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव कर लोगों के अनुभव, हमारी कमी, एक स्वॉट एनालिसिस करने का काम पार्टी देश भर में कर रही है, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं कर रही है। मैं इसे अंडरलाइन करके आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, यहीं के लिए नहीं कर रही है, देश भर में कर रही है। हाँ, मगर हो सकता है निकट भविष्य में चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्या डेट्स निकालेगा, क्या निर्णय करेगा। तो हम पर तो आप आरोप लगाते हैं, हम इलेक्शन मशीन है, तो आज उस आरोप को आप क्यों बदल रहे हैं? पूरा मीडिया हम पर यही आरोप लगाता है कि बीजेपी तो इलेक्शन मशीन बन चुकी है। साहब, हम अपनी काडर को रिजेनोवेट कर रहे हैं, अब हम हमारी सरकार बन गई है। रिजेनोवेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको लगता है लोकसभा में जितना परफॉर्मेंस करना था उतना नहीं कर पाए, इसलिए उनको मॉरल बूस्ट करना? आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपका पूरा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है आपको बताता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप अपने चैनल को भी बताइएगा। 2009 में जब हम चुनाव लड़े थे तो हम 16 विधानसभा सीटें जीते थे। 2014 में जब हम चुनाव लड़े हम 23 जीते। 19 में, जिसको आप बहुत बड़ी परफॉर्मेंस बताते हैं, हम 26 विधानसभा जीते थे। अब की बार हम 29 विधानसभाओं पर जीते हैं। तो ये आपका, आप किसी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनकी टीम बार बार मीडिया को गाली देती है, इसलिए आप उनको बैलेंस बनाने के लिए हमारे जीत को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। हम 29 विधानसभा जीत के आए हैं साहब, काफी है क्या? अरे जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनाने के लिए काफी? हमने तो दो ही सीटें लड़ी थी ना, आपको तो कश्मीर की चाहिए ना। के बारे में बात आएगी, आप मुझे सुनाइए कि कश्मीर में अभी तक आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, मैं पिछले चार चुनाव से दो ही सीट लड़ रहा हूँ, संतुष्ट है? 29 सीटें लड़ रहा हूँ मैं, दो ही सीटें लड़ रहा हूँ मैं, दो ही सीटें लड़ रहा हूँ। और बार बार जिसको आप कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कम हो गई, बार बार जीत कर आ रहा हूँ, लगातार जीत कर आ रहा हूँ। आंकड़ा तो 50 प्लस होना चाहिए ना आपको, आप तो 29 सभा में आएंगे तो हम 55 लेंगे, 50 क्यों लेंगे? स्ट्रेटजी के हिसाब से थोड़ी ना लेंगे, स्ट्रेटजी चैनल पे बताकर आपको बता दूंगा, आप जाके उनके कान में जाके बताएंगे बीजेपी की स्ट्रेटजी। ये तो बता दीजिए कि कश्मीर एक कंसर्न है, कश्मीर एक कंसर्न है। देखिए, मैं जम्मू की बात तो नहीं करूँ, फिर बात करेंगे, फिर बात। आशीष सूद थे यहाँ पे, देखिए उनसे जब बात हुई तो बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो मीटिंग्स हैं ये पार्टी को जरूर मजबूती देगी और पार्टी को इससे बड़ा फायदा होगा। जो जेपी नड्डा ने उनको गुरु मंत्र दिए हैं या उन्होंने जो बातें कही उससे पार्टी को जरूर फायदा होगा। कैमरामैन